हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों हमेशा की तरह आपके लिए आज एक बार फिर से एक नया मोबाइल से रिलेटेड वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों, आपके मोबाइल में ए टू जेड कोई भी सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम होगा, सॉफ्टवेयर से मतलब समझते हैं फ्रेंड्स, अगर कोई हार्डवेयर का प्रॉब्लम, अगर इसमें बटन खराब हुई या चार्जिंग सॉकेट खराब हुआ, उसके लिए तो आपको दुकान पर जाना पड़ेगा भाई, तभी रिपेयर होगा। लेकिन जो सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम होता है मोबाइल में, कभी बैटरी कम चलती, इंटरनेट स्पीड नहीं पकड़ रहा है, नेटवर्क आ रहे हैं छोड़ रहे हैं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, गेम नहीं चल रही है, हैंग हो रहा है, बैटरी के परसेंटेज कम ज़्यादा, तो इन ए टू जेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज आपके लिए लेकर के आया हूं दोस्तों। एक ऐसी एप्लीकेशन आपको बताऊंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को यहां पर दूर कर देगी। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देख लीजिए, हमारे चैनल का नाम है काजू की टेक। इसको अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन का बटन आपको दिख रहा है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे मज़ेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। देख लीजिए हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर मोबाइल से रिलेटेड एक से एक बढ़िया वीडियोज़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है यहाँ पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है रिपेयर सिस्टम। तो देख लीजिए, ये जब आप रिपेयर सिस्टम को सर्च करेंगे गूगल प्ले में, तो वहाँ पर काफ़ी सारे रिपेयर सिस्टम्स के ऑप्शन आते हैं, ध्यान रखना आपको यही वाला डाउनलोड करना है फ्रेंड्स। और देख लीजिए, जब इसको आप ऑन करेंगे तो अलाउ कर देना है यहाँ पर, जब इसे आप यहाँ पर ओपन कर लेते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस, इसका बहुत ही कमाल का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। देख लीजिए यहाँ पर टोटल स्टोरेज यूज़ कितना हुआ है, रैम कितनी यूज़ है, वो सब डिटेल्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर कुछ काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर के ऑप्शन से हम स्टार्ट करेंगे। देख लीजिए फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, रिपेयर सिस्टम, इसके बाद फ़ोन बूस्ट, सीपीयू कूलर, बैटरी ऑप्टिमाइज़र, देख लीजिए गेम बूस्ट, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। देख लीजिए रिपेयर सिस्टम पर आपको क्लिक कर देना है, ये ऑटोमेटिकली देख लीजिए एक ऐड आएगा, ऐड शो होगा, इसको आपको यहाँ से बैक मार देना है फ्रेंड्स। तो चलिए ऐड को बैक कर देते हैं। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, देख लीजिए इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी, देख लीजिए स्कैनिंग सिस्टम, तो इस तरीके से स्क्रीन पर आपको स्कैनिंग सिस्टम देखने के लिए मिल जाएगा, आपका पूरा मोबाइल को स्कैन करेगा, इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। और ये फ़ोन में आपके में जो भी प्रॉब्लम है, फ़ोन हैंग करता है, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा, या कोई भी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम्स आ रही है, इसमें आपको चलाने में दिक्कत हो रही है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिपेयर कर देगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको आपको ऑन करके यहाँ छोड़ देना है। तो यहाँ पर कुछ वक्त लगेगा, तो चलिए हम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कैन लगभग हो चुका है, यहाँ पर आपके फ़ोन की जितनी भी एप्लीकेशन है सबको डिटेक्ट कर लेगा, और जो भी एप्लीकेशन से आपको प्रॉब्लम हो रही है, जो भी बग है आपके मोबाइल में, जिससे आपका मोबाइल हैंग करता है, चिपक रहा है, चल नहीं रहा है, बैटरी खा जा रहा है, ये सबको देख लीजिए, एक एक करके सब एप्लीकेशन को डिटेक्ट कर लेगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसे हटा देगा, अनइंस्टॉल कर देगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। जब दोस्तों ये पूरी लाइन जो आपको दिख रही है भर जाएगी, उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आपको मोबाइल रीस्टार्ट करने के लिए बोलेगा, तो आपको अपना मोबाइल यहाँ पर रीस्टार्ट कर लेना है फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पर हो चुका है, देख लीजिए इस तरीके से अब आपका सीपीयूसी फ्रिक्वेंसी दिखा रहा है, और मेमोरी यूज़ इस तरीके का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देख लीजिए रेमेडी बूस्ट हो रहा है, इसके बाद में फिक्सिंग फाइल सिस्टम होगा, ये भी 100% हो जाए वहाँ तक, हम इसको भी वेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, देख लीजिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा, रिपेयर कंप्लीटेड, प्लीज़ रीस्टार्ट योर फ़ोन। तो आप जब यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन हो जाएगा रीस्टार्ट। तो अभी हमको यहाँ पर फ़िलहाल नहीं करना है, तो मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ फ्रेंड्स, और दूसरी सेटिंग्स की तरफ चलते हैं। नहीं, ये आपको करना ही पड़ेगा, आगे रीस्टार्ट तो करना ही पड़ेगा, तो चलिए कर देते हैं फटाफट से। तो फ़ोन को रीस्टार्ट कर दिया है, अब देख लीजिए एक दूसरा फ़ोन, अगर आप अपने फ़ोन की स्पीड को एकदम से बढ़ाना चाहते हैं, एकदम आप चाहते हैं सुपर फास्ट हमारा फ़ोन चले, देख लीजिए फ़ोन बूस्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना, आपका फ़ोन बूस्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरे नंबर का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर, सीपीयू कूलर, अगर आपका फ़ोन गर्म होता है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, तो सीपीयू कूलर पर क्लिक कर देना है आपको। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक ऐड आएगा, इसको आपको बैक कर देना, ये आपके फ़ोन को बिल्कुल ठंडा कर देगा, आपके सीपीयू को, और आपका फ़ोन बढ़िया सा चलने लगेगा एकदम। और देख लीजिए इसके बाद में इसको हम बैक कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, बैटरी ऑप्टिमाइज़र, दोस्तों इस पर आपको क्लिक करना है, जो बैटरी आपकी खा जा रहा है, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, इसको आपको ओपन कर देना, बैटरी ऑप्टिमाइज़र को। तो इसमें क्या होगा, जो भी आपका फालतू का एप्लीकेशन जो आपकी बैटरी को चूस रहा है, आपकी बैटरी को ख़त्म कर रहा है, उसको क्लियर कर देगा। देख लीजिए क्लियर हो चुका है, इसके बाद में एक ऐड शो हो जाता है यहाँ पर, इस ऐड को हमको यहाँ पर से क्लोज कर देना है। देख लीजिए बैटरी ऑप्टिमाइज़र हो चुका है। अपडेट चेकर अगर आपको चेक करना चाहे तो ये अपडेट चेकर पर आप क्लिक करेंगे तो कोई भी अपडेट आपके फ़ोन में आती है तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन से आपको यहाँ पर देख लीजिए अनइंस्टॉलर दिखाई दे जाता है। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, अगर आपके मोबाइल में
कोई भी ऐप ऐसी है जो अनइंस्टॉल नहीं हो रही, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही, आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो रही है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको अनइंस्टॉल कर देगा। अब देख लीजिए इसके बाद में ऑप्शन आपको दिख रहा है बूस्ट गेम्स का, ये ऑप्शन अगर कोई गेम आपकी चिपक रही है फ्रेंड्स, चल नहीं रही है बरोबर, तो ये गेम बूस्ट पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से क्लिक कर लेना है तो एक ऑप्शंस खुलेगा, देख लीजिए ऐड आएगी, ऐड को क्लोज़ कर देना, जो भी गेम आपको बूस्ट करने स्कैन फॉर गेम्स दिखाई दे रहा है ये स्कैन कर लेगा, जो भी गेम आपके मोबाइल में होगी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे गेम के, जो गेम आप रम रहे हैं और जो हैंग हो रही है उस गेम को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना और उसको बूस्ट कर देना है। देख लीजिए प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे सारी गेम आ जाएंगी, जो गेम बूस्ट करना चाहते हैं उसको क्लिक कर देना और बूस्ट पर क्लिक कर देना, उसके बाद में फ्रेंड्स जब आप रमेंगे तो गेम आपके यहाँ पर हैंग नहीं होगी, एकदम क्लियर चलने लगेगी। तो इस तरीके की काफ़ी सारे सेटिंग्स एक एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं फ्रेंड्स। सबसे ऊपर यहाँ पर आपको अपने डिवाइस का नाम देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर आपकी मेमोरी मिल जाएगी, यहाँ पर आपकी रैम मिल जाएगी और कितनी यूज़ हो रही है देख लीजिए वो देखने को मिलेगा, और रैम कितनी यूज़ हो रही है सब देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों कमाल की एप्लीकेशन है, और दोस्तों इसके बाद भी अगर आपका फ़ोन प्रॉब्लम्स कर रहा है, बैटरी सही नहीं चल रही, तो कोड आपको यहाँ पर बता देता हूँ, उस कोड का आपको यूज़ कर लेना है, देख लीजिए *022#8 फिर हैश, जब ये कोड आप लगा करके ओके कर देंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, तो इससे क्या होगा देख लीजिए मैं आपको लगा कर बता दे रहा हूँ, यूएसजी कोड आ रहा है, जब इस कोड को आप यहाँ पर यूज़ कर लेंगे फ्रेंड्स देख लीजिए ऑपरेशन इन्फॉर्मेशन अभी मेरे में एरर आ, जब इस कोड को आप यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, अगर बैटरी में आपके में कोई तकलीफ है, मान लीजिए बैटरी आपका 70% और 60 ही दिखा रहा है, और या फिर आपका बैटरी 50% या 100% दिखा रहा है, तो इसमें क्या होता है बैटरी का जो गेज होता है वो गड़बड़ा जाता है, इसके लिए ऐसा हो जाता है। तो इस तरीके से देखा आपने फ्रेंड्स, सिर्फ एक एप्लीकेशन के जरिए फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको किसी को कोई पैसा भी नहीं देना और आपकी सारी प्रॉब्लम्स का समाधान इस एप्लीकेशन से हो जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से इसे कर लीजिए डाउनलोड। सो दोस्तों फिलहाल इतना ही, थैंक यू, बाय।